दोस्तों, ये राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। भारत के पंजाब प्रदेश में जन्मे लाजपत राय देश के अमर क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी थे। विराम। सन 1865 ईस्वी में छोटे से गांव में जन्मे लाला लाजपत राय ने देशभक्ति में वे आदर्श स्थापित किए, जिसके लिए संपूर्ण देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। विराम। मातृभूमि के लिए उनका बलिदान आज भी देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना का संचार करता है। विराम। संपूर्ण भारत उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानता है। विराम। पैरा। लाला लाजपत राय वकालत का कार्य करते थे। विराम। परंतु पराधीन भारत का दर्द उन्हें हमेशा कचोटता रहता था। विराम। गांधी जी के संपर्क में आने पर वे उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए तथा बाद में अपने व्यवसाय को तिलांजलि देकर वे समर्पित भाव से गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। विराम। वे सदैव से ही अंग्रेजों व अंग्रेजी सरकार का विरोध करते रहे, जिससे क्षुब्ध अंग्रेजों ने सन 1907 ईस्वी में उन्हें बर्मा जेल में डाल दिया। विराम। जेल से लौटने के पश्चात वे और भी अधिक सक्रिय हो गए। विराम। उन्होंने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होने वाले असहयोग आंदोलन में खुलकर उनका साथ दिया। विराम। उन्हें कई बार अंग्रेजों ने जेल भेजा, परंतु वे अपने उद्देश्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए। विराम। पैरा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस के द्वारा उसका खुलकर विरोध किया गया। विराम। साइमन कमीशन की नियुक्ति हालांकि 1926 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, परंतु इसका भारत आगमन सन 1928 में हुआ था। विराम। लाला लाजपत राय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विराम। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में वे विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। तब अंग्रेजों ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। विराम। उस घातक चोट के 3 हफ्ते पश्चात भारत माता का वह वीर सपूत चीड़ निद्रा में लीन हो गया। विराम। समस्त देश में शोक की लहर उठ गई। विराम। क्रोधित व क्षुब्ध देशवासियों ने जगह जगह आगजनी व हिंसात्मक प्रदर्शन
किए विराम, परंतु कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्रयासों से इसे बंद करवाया। विराम पैरा लाला लाजपत राय एक सच्चे देशभक्त के साथ ही एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। विराम जीवन पर्यंत अछूतों के उद्धार के लिए प्रयासरत रहे। विराम इसके अतिरिक्त उन्होंने देश में शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए। विराम उन्होंने नारियों को भी शिक्षा का समान अधिकार देने हेतु सदैव प्रयास किए। विराम उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेक विद्यालयों की स्थापना की। विराम वे मूलतः आर्य समाज के प्रवर्तक थे। विराम इसके अतिरिक्त वे एक प्रभावशाली वक्ता भी थे। विराम उनकी वाणी में जोश उत्पन्न करने की वह क्षमता थी जो कमजोर व्यक्तियों को भी ओजस्वी बना देती थी। विराम पैरा लाला लाजपत राय एक धार्मिक व्यक्ति थे, पर उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुछ कट्टरताओं और रूढ़ियों का सदैव विरोध किया। विराम ईश्वर पर उनकी सच्ची आस्था थी। विराम वे निडर एवं बहादुर इंसान थे। विराम मातृभूमि के लिए उनका त्याग और बलिदान अतुलनीय है। विराम देश की स्वतंत्रता के लिए उनके प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। विराम वे एक सच्चे महामानव थे जिन्होंने सदैव मानवता का संदेश दिया। विराम उनकी देशभक्ति साहस और आत्मबलिदान आज भी प्रेरणा के स्रोत बनकर हमारे हृदयों में विद्यमान हैं। विराम इतिहास उन्हें कभी भुला नहीं सकेगा। विराम पैरा वास्तव में लाला लाजपत राय भारत के उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया। विराम ऐसे ही कई देशभक्तों के बलिदानों के पश्चात देश को आज़ादी की प्राप्ति हुई। विराम हमें अपनी आज़ादी की रक्षा इन नेताओं के आदर्शों पर चलकर ही करनी होगी। विराम लाला लाजपत राय ने देश के नव निर्माण का जो स्वप्न देखा था उसे हम उनके बताए मार्ग पर चलकर साकार कर सकते हैं। विराम स्टॉप। दोस्तों ये राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।